हाँ सांस चल रही है, सांस चल रही है। कमर दुखती इसमें बैठ नहीं सकते हैं। और प्रकृति की गोद में बसा देखिए, छोटा के बाहर भी और अंदर भी आपको हर जगह न्यूट्रल में चला रहे क्योंकि डाउन ही डाउन है। उत्तराखंड में पहुंच गए हम लोग। हेलो गाइस, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्योंकि वो ब्लॉग्स में, और मैं हूँ बागेश्वर देवभूमि उत्तराखंड से। तो आज ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग ना हम कर रहे हैं मॉर्निंग से, और आदि चला गया स्कूल और अभी भी चले गए हैं ऑफिस, और यहाँ दादी बैठे हुए हैं, मतलब लेटे हुए हैं। दादी की कमर दुखती से बैठ नहीं सकते हैं, और लगा खेल रही है। और हर्षू और मुझे जाना है कुछ काम से, आज मुझे जाना है हर्षू के काम से बाहर, तो आप भी ब्लॉग में बने रहिए। खाली तो क्यों दुनिया खाली नहीं घूमते, घूमना है, वो है पैशन है। तो यहाँ इनका डिस्कशन चल रहा है कोर्स के बारे में, पैसे पैसे क्या होते हैं उसमें। दादी कह रही है फालतू पैसे खर्च मत करना कोई भी कोर्स करके, और हर्षू समझा रहा है उनको क्या करें, समझाना पड़ता है। फिर हर्षू क्या बात, क्यों नहीं पी रहा इसको? ची ची ची, कितना गंदा टेस्ट हो रहा है इसका, तो क्यों लाया उसको? पता नहीं गया, ये तो वैसे ही ले आ गए, इसके लिए लेके आया था। तो अब मैं हो गई हूँ तैयार जाने के लिए। और नविया ये देखो, ये रही हमारी नविया। आहा, जय कर दो, जय गुड गर्ल। और नविया ने पहन रखी देखो अपनी स्कर्ट्स, और अब नविया को देखेंगी मम्मी जी। तो अब हम चलते हैं सफर की ओर। नविया बाय बाय बोलो, बाय 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 बाय। चल गए अपने सफर के लिए। मैं और हर्षू पेट्रोल भरा रहे हैं क्योंकि बागेश्वर से कांडा ना 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आज हम जा रहे हैं कांडा। तो ये है मंडल शेरा, बागेश्वर में ही बसा हुआ एक एरिया। लग रहा है ना ब्यूटीफुल? ओ गाइस ये देखो, ये है लोमड़ी बीच जंगल में। पहुंच गए हैं मनकोट, अभी कांडा आने में टाइम है। और मनकोट तो वैसे ही बहुत फेमस है अपने भटके डुबके के लिए। तो गाइस हम यहाँ उतर गए हैं। यहाँ भैया ना एक लेटे हुए हैं, पता नहीं अब शराब पी के लेटे हैं, एक्सीडेंट हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। क्या हो रखा है इनको? पी के लेटे हैं, मुझे लगता है पी के लेटे हैं, ड्रंक गए। हाँ हाँ सांस चल रही है, सांस चल रही है। हाँ हाँ ड्रंक गए हूँ, एक्सीडेंट नहीं है। ओहो पता नहीं क्यों करते हैं ऐसा, लोग घर में सब वेट कर रहे होंगे और यहाँ पी के लेटे हुए हैं। वैसे इस रोड में ठंडा रहता है और आज धूप बिल्कुल नहीं है, देखो आज का बादल लगे हुए हैं। गाइस हम रोड से ना ऊपर को आ गए हैं कट लेके, क्योंकि हमको जाना है ITI पॉलिटेक्निक कॉलेज में। पहुँच गए हम लोग पॉलिटेक्निक कॉलेज में, ऑफिस होगा कहीं, देखते हैं। चल आगे चले। हाँ चलते रहे, वो देखो उधर कांडा। अब हम पहुँच गए हैं, तो हम ये नीचे वाली रोड से जाएंगे पड़ाव की ओर। वाली रोड ना आगे को जाती थल मुंशारी पिथौरागढ़ और गंगोली हाट को। तो पॉलिटेक्निक कॉलेज में हम आए थे कांडा के ट्रेड पता करने के लिए। तो जो ट्रेड मेरा भतीजा चाहता था वो तो उसको मिला नहीं। तो अभी जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ कांडा पड़ाव है। तो प्रकृति की गोद में बसा देखिए, छोटा सा गाँव बहुत सुंदर है, एक बार आप लोग को दिखाती हूँ। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। अब मैं पहुंच चुकी हूँ कांडा में बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर, काली का मंदिर। इस मंदिर के बाहर भी और अंदर भी आपको हर जगह घंटियां दिखेंगी, और बहुत ही प्यारा मंदिर है। तो गाइस मंदिर के दर्शन अब हमने कर लिए हैं, अब हम सीधे बढ़ते हैं आगे की ओर। ना हम मनकोट पे उतर चुके हैं, बागेश्वर को जाने लग गए हैं। तो ना जाने से पहले ना यहाँ चाय पी लेते हैं, और पता नहीं बच्चों ने वहाँ खाना पीना खाया नहीं खाया, क्योंकि वो दादी के हाथ से ना खाना पीना नहीं खाते बिल्कुल। तो अब आ गए हम होटल के अंदर, और गला सूख गया है, तो जीजा आज थोड़ा परेशान टेंस्ड हो गया है, क्योंकि उसको इसकी ट्रेड मिली नहीं है, कहाँ से करूँगा। और कोई बात ना, घर जाके सोचेंगे सोचेंगे। तो जब तक ना चाय नहीं आती तब तक एक बार बाहर का व्यू भी देख लेते हैं। देखिए कितनी हरियाली, पेड़ पहाड़, स्वर्ग है स्वर्ग। तो हमें थोड़ी भूख लग गई थी ना, हमने अपने लिए चने ऑर्डर कर रखा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ खाना है या फिर चने हैं।
थोड़ा थक गया तो मैंने कहा स्कूटी मैं चलाती हूँ, और देखिए हमने न्यूट्रल में चला रहे क्योंकि डाउन ही डाउन है। गल गल झरना सुर सुर हवा। तो गाइस अब हम कुछ ही देर में ना बागेश्वर पहुंचने वाले हैं, और मौसम देखिए बहुत खराब हो रहा है, बादल लग गए हैं और हवा इतनी चल रही है धूल पड़ रही है आंखों में। तो पहुंच गई मैं घर और बच्चों के लिए लाए हैं जूस, लग गए पीने में, और इनको देख रहे थे मम्मी जी। अब आप लोग को मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए आप ब्लॉग में बने रहना और प्लीज़ लाइक भी करना ब्लॉग को। गाइस आज है दूसरा दिन, कल मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं मुझे बहुत थकान हो गई थी, और घर पे फिर बच्चे भी थे उनको भी देखना पड़ता है, इसलिए ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो फिर से वेलकम है आपका मेरे ब्लॉग में। तो अब समय आ गया कि मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करूँ, कल एंड नहीं कर पाई थी इसलिए अभी कर रही हूँ। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए, और हाँ ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ आप भी सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। होली का वीडियो है ना डांस का, वो मैंने आप लोग के लिए अरेंज कर रखा है, तो आप उसको भी एंजॉय कीजिए। Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room.